आईपीएल 2023 के 55वें मुकाबले में सीएसके ने दिल्ली कैपिटल को 27 रनों से रौंद दिया। एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम 8 विकेट में 168 रन बनाए, जवाब में दिल्ली की टीम ने 8 विकेट पर 140 रन बना सके। आखिरी के ओवर में रिपल और अक्षर पटेल ने थोड़ा जोर तो लगाया मगर चिन्ने की खतरनाक गेंदबाजी के आगे असफल नजर आए। इसके बीच में रिपल पटेल को एक ही गेंद में पहली जीवन दान मिली और कुछ ही सेकंड बाद आउट हो गए। तुषार देशपांडे ने 19वां ओवर किया। इस ओवर के 5वीं गेंद पर रिपल ने हवाई शॉट लगाया, उन्हें लगा गेंद बाउंड्री पार कर जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गेंद बॉलर के आसपास ही खड़ी हो गई। फिर तुषार और मोहिन अली दोनों गेंद की ओर दौड़े, हालांकि तुषार ने अटेंड किया और गेंद को पकड़ने में विफल रहे और यहां दूसरे रन का मौका दे रिपल और अमन दौड़ पड़े। जब गेंद नीचे गिरी रिपल को दौड़ता देख मोहिन अली ने फुर्ती से थ्रो किया। विकेट के पीछे धोनी थे, हालांकि गेंद धोनी के पास पहुंचती उसके पहले ही विकेट उखड़ चुके थे। उनकी कुछ सेकंड की खुशी निराशा में बदल गई। हालांकि इस समय तक सीएसके के मैच में बरत बना चुका था, अगर यहां गेंद बाउंड्री पर चली भी जाती तो शायद धोनी को दुख नहीं होता। आखिर ओवर में दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 40 से अधिक रहना चाहिए जो कहीं से भी संभव नहीं था। आखिरी ओवर करने आए पति राणा ने 15 रन दिए जबकि चिन्ने ने 27 रन से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह धोनी की टीम ने 15 रन से ये मैच जीत लिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया इन्फो।